स्पंजेस के अंदर एक स्पेशल टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम कॉलर सेल्स या क्वेनोसाइट्स कहते हैं। क्वेनो का मतलब होता है कॉलर और साइट का मतलब होता है सेल। क्वेनोसाइट्स को क्वेनोसाइट हम इसलिए कहते हैं कि अगर आप एक क्वेनोसाइट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो आपको सेल के एक कॉर्नर पे काफी सारे छोटे छोटे जो है हेयर लाइक या कॉलर की फॉर्म में सीलिया नजर आएंगे, और इन सीलिया के दरमियान में एक बड़ा सा विप लाइक फ्लैजेलम मौजूद होता है। अब ये फ्लैजेलम जो है ये एक्चुअली केनाल्स के अंदर जो स्पॉन्जोसील के अंदर केनाल्स होती हैं उन केनाल्स के इर्द गिर्द हर जगह पे लगे हुए होते हैं वाल के अंदर, और ये कॉन्स्टेंटली बीट कर रहे होते हैं, और इनकी बीटिंग की वजह से वाटर जो है वो ऑस्टिया के थ्रू एंटर होता है और इनके अराउंड जो है कॉलर्स के अराउंड फ्लो करता है। अब जब कोई फूड पार्टिकल, कोई छोटा सा बैक्टीरियम या कोई जू प्लांक्टन या कोई और ऐसी चीज जो है, कोई छोटे सेल या डेब्रिस वगैरह इन कॉलर से टकराती है, सीलिया से टकराती है, तो ये सेल फौरन उसको पकड़ के एनगल्फ कर लेता है और उसको डाइजेस्ट करके उससे एनर्जी या न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेता है। तो ये कॉलर सेल्स जो हैं ये एक्चुअली फिल्टर फीडिंग में हेल्प करते हैं स्पंज की, यानी कि वाटर को फिल्टर करके उसमें से फूड ऑब्टेन करने में स्पंज की हेल्प करते हैं। अब ये कॉलर सेल्स जो हैं ये एक्चुअली इवॉल्व हुए हैं मरीन जूओफ्लैजिलेट्स के एक ग्रुप से जिनको हम क्वेनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं। क्वेनोफ्लैजिलेट्स के बारे में हमने प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ा था, और उसमें हमने बात की थी कि ये कॉलोनियल प्रोटोजोआ हैं जो एक स्टार्क के जरिए से जो है सबस्ट्रेट के साथ जुड़े हुए होते हैं, और इनके अंदर फ्लैजेला जब बीट करते हैं तो उसकी मदद से ये कॉलर सेल्स जो है फूड ऑब्टेन करते हैं। तो तकरीबन तकरीबन सेम सेल जो है वो स्पंजिस के अंदर भी मौजूद हैं, और ये फूड ऑब्टेन करने में स्पंजिस की मदद करते हैं। स्पंजिस की डाइट जो है वो तकरीबन 20% जो है डाइट वो अलाइव सेल्स पर मुश्तमिल होती है। मसलन ये खाते हैं जू प्लांक्टन को, यानी के जो फ्लोटिंग एनिमल्स होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम या स्मॉल साइज के क्रस्टेशियंस या इंसेक्ट लार्वी वगैरह, या फिर फाइटोप्लांक्टन यानी के एल्जी वगैरह को ये खा कर गुजारा करते हैं। उसके मुकाबले में तकरीबन 80% डाइट जो है वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। जिसको ये खा के जिंदा रहते हैं। फिर इसके अलावा फाइलम पोरीफेरा जो है इनके मेजर करेक्टरिस्टिक्स के अंदर पहली बात तो ये कि इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्यों नहीं होता? तो इसीलिए नहीं होता कि बॉडी जो है वो सिर्फ दो सेल लेयर्स पर मुश्तमिल है, तो बड़ी आसानी के साथ जो है वेस्ट की एक्सक्रीशन की जा सकती है, डिफ्यूजन के जरिए से सेल से बाहर फेंके जा सकती है, क्योंकि बाहर जो है मरीन वाटर है तो आसानी के साथ वहां पे चली जाती हैं। इसके अलावा इनके अंदर नर्वस सिस्टम के लिए कोई स्पेशलाइज सेल नहीं है। आमतौर पे सेल्स जो हैं वो लेकिन ये देखा गया है कि आपस में कम्युनिकेट किसी हद तक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी वक्त वाटर के फ्लो को कम या ज्यादा करना हो तो ये सेल्स आपस में कम्युनिकेट करके फ्लो वाटर को रेगुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा स्केलेटन के तौर पर इनके मीजेनकाइम के अंदर स्पेशल नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको हम स्पिक्यूल्स कहते हैं। ये स्पिक्यूल्स या तो सिलिका के बने हुए होते हैं यानी कि ग्लास के, या कैल्शियम कार्बोनेट या चाक के बने होते हैं, या एक खास किस्म की प्रोटीन जिसको स्पॉन्जिन कहते हैं उसके बने हुए होते हैं, और ये जो एनिमल है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, उसको
ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़ा रखने का काम करते हैं। ये स्पीक्यूल्स, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ स्पीशीज के अंदर मुख्तलिफ साइजेस के, मुख्तलिफ शेप्स पे के स्पीक्यूल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे ये यू प्लेक्टेला की आपको स्पीक्यूल्स दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्लास के बारीक बारीक धागे जो हैं, ये मिल के इन्होंने एक बहुत इंट्रिकेट पैटर्न जो है वो बनाया हुआ है। रिप्रोडक्शन जो है वो इनके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीकों से होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पेशल तरीके से होती है, जिसको बडिंग कहते हैं। बडिंग के दौरान में एक एडल्ट इंडिविजुअल के ऊपर एक छोटी सी बड प्रोड्यूस होती है, और ये बड आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती है, और कुछ अरसे बाद ये पेरेंट से सेपरेट हो जाती है और ग्रो करके कंप्लीट नया इंडिविजुअल बना देती है। इन बर्ड्स जो हैं वो बॉडी के आउटर सरफेस पे भी ग्रो कर सकती हैं और इनर सरफेस पे भी ग्रो कर सकती हैं। जो इनर सरफेस पे बर्ड्स ग्रो करती हैं उनको गेम्यूल्स कहा जाता है। आमतौर पे स्पंजेस जो हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एज यूजुअल एग और स्पर्म की यूनियन से होती है। एग्स जो हैं वो मीजेनकाइम के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं। स्पर्म्स जो हैं वो किसी दूसरे इंडिविजुअल से पानी के जरिए स्विम करके मीजेनकाइम तक पहुंचते हैं। मीजेनकाइम के अंदर कॉलर सेल्स होते हैं जो स्पर्म्स को एनगल्फ कर लेते हैं, और फिर अमीबॉइड सेल्स के जरिए से स्पर्म्स जो हैं वो एग तक पहुंच जाते हैं। एग की फर्टिलाइजेशन होती है, जिसके नतीजे में डाइप्लॉयड इंडिविजुअल दोबारा बनते हैं। डाइप्लॉयड यानी कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वापस आ जाता है। ये एग और स्पर्म जो हैं ये दोनों हैप्लॉयड होते हैं। अब उसके बाद ये एम्ब्रियो बनता है सेल की जाइगोट की डिवीजन से, और एम्ब्रियो ग्रो करके लार्वा बनाता है। लार्वा अल्टीमेटली किसी दूसरी जगह, लार्वा जो है ये आमतौर पे स्विमिंग कर सकता है, और सीलिया, इसके ऊपर सीलिया या फ्लैजेला मौजूद होते हैं जिनके जरिए से स्विम करके किसी नई जगह पे जाके गिरता है, वहां पे ग्रो करता है और एक न्यू स्पंज बना सकता है। आमतौर पे अक्सर स्पीशीज जो हैं वो हर्माफ्रोडाइट हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है कि एक ही स्पीशीज एग और स्पर्म दोनों प्रोड्यूस कर सकती है। एक ही इंडिविजुअल जो है उसके अंदर एग और स्पर्म दोनों प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन अक्सर स्पीशीज जो हैं वो प्रोटेंड्रस होती हैं। प्रोटेंड्रस का मतलब होता है, लफ्जी मतलब है बिफोर, और एंड्रस कहते हैं मेल को, यानी कि मेल सेल्स जो हैं, नेक मेल सेक्स सेल्स वो पहले बनते हैं और फीमेल सेक्स सेल्स यानी कि एग्स जो हैं वो बाद में बनते हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि अगर एक इंडिविजुअल एक टाइम में स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है तो दूसरा इंडिविजुअल एट द सेम टाइम एग्स प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि एट द सेम टाइम एक ही इंडिविजुअल एग भी प्रोड्यूस कर रहा हो और स्पर्म भी प्रोड्यूस कर रहा हो। तो इसका फायदा ये होता है कि एक इंडिविजुअल के स्पर्म्स दूसरे इंडिविजुअल के एग्स को हमेशा जाके फर्टिलाइज करते हैं, और सेल्फ फर्टिलाइजेशन के चांसेस इस तरह से मिनिमाइज हो जाते हैं। बास स्पीशीज ऐसी हैं जिनके अंदर सेक्सेस सेपरेट होती हैं, यानी कि मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। मेजर कॉमन एग्जाम्पल्स जो हैं स्पंजेस की, उनके अंदर आपको सबसे पहले टिपिकल मरीन स्पंज जो है वो साइकॉन आ जाती है। इसके अलावा ल्यूकोसिलिनिया है, जिसके अंदर काफी सारी छोटी छोटी सी ट्यूब्स होती हैं, जो सेपरेट इंडिविजुअल्स हैं वो मिल के काफी सारे इकट्ठे रह रहे होते हैं। इसी तरह यू प्लेक्टेला है, जिसको वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। ये इसका जो स्केलेटन है वो ग्लास का बना हुआ होता है, सिलिका का बना हुआ होता है। जब स्पंज ये कोई इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो स्पंज के सेल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वाटर करंट्स की वजह से वहां से रिमूव हो जाते हैं, लेकिन ग्लास का बना हुआ स्केलेटन बाकी रह जाता है, और देखने में ये बहुत ही खूबसूरत डेलिकेट गुलदान की तरह आपको ग्लास के बारीक बारीक धागों का बना हुआ गुलदान नजर आता है। तो इसकी वजह से इसको वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं। इसके अलावा फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली एक स्पंज है जिसका नाम है स्पंजिला। स्पंजेस जो हैं वो इकोनॉमिकली किसी हद तक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, मिसाल क्योंकि इनके स्केलेटन्स को आमतौर पे वॉशिंग के लिए या नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
आजकल हमारे यहाँ पे खास तौर पे ज्यादातर जो है वो केमिकली सिंथेसाइज्ड स्पंजेस इस्तेमाल होती हैं, प्लास्टिक की बनी हुई स्पंजेस इस्तेमाल होती हैं। लेकिन जिन मुल्कों में स्पंजेस ज्यादा पाई जाती हैं, खास तौर पे मेडिटेरेनियन सी के इर्द गिर्द के मुल्कों में, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी के अंदर बहुत सारी डिफरेंट कमर्शियल स्पंजेस होती हैं, तो उन मुल्कों में आज भी नेचुरल स्पंजेस इस्तेमाल की जाती हैं। स्पंजेस के अंदर वाटर वगैरह को एब्जॉर्ब करने की बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से इनको कई दफा सर्जिकल ऑपरेशंस के दौरान भी ब्लड या फ्लूड्स वगैरह को एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बिल्डिंग्स बनाते वक्त दरवाजों और खिड़कियों में कमरों को साउंड प्रूफ बनाने के लिए भी स्पंजेस को इस्तेमाल किया जा सकता है।